A very good morning to all of you. कैसे हैं आप सब? I Kritika Somani welcome you all at the Saval classes. Excise taxation MCQ series जो हम लोगों ने start की हुई है. Today's our lecture number is 16 and this is basically meant for those who had applied for excise taxation inspector, senior industrial development officer and block level extension officer के लिए जिन लोगों ने apply किया हुआ है. ये जॉब बेसिकली ये सीरीज एमसीक्यू सीरीज उन लोगों के लिए है. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. एंड अगर आप लोगों ने कोई भी पंजाब गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है और अगर आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं सावल क्लासेस का, तो आप इन दोनों नंबर में से किसी भी गिवन नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम वेन एवर यू फील कम्फर्टेबल. बिफोर बिगनिंग द वीडियो आई वुड लाइक कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर भी दिया होगा. जिन्होंने अभी तक नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड बिफोर बिगनिंग माई लेक्चर एंड बिफोर वॉचिंग माई लेक्चर प्लीज डू लाइक माई वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू. एंड बिगिन करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने. जस्ट अ मिनट. ओके हम स्टार्ट करते हैं. जो सबसे पहला जो है आपका क्वेश्चन पढ़िए देखिए वो क्या है. जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है एज पर द मोदीज एनालिटिक्स व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ द इंडिया इन द कैलेंडर ईयर 2021. ए 10%, बी 12%, सी 11% या डी 9%. प्लीज टू टेल द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होगा हमारा बताइए. According to you, what would be your first question right answers? The very first question of your right answer is option number B. That is as per the Modi's government and analytics, जो हमारी projected GDP growth rate है कि इंडिया का जो coming जो हमारा ये calendar year है उसमें जो हमारी projected GDP growth rate है that is your 12%. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच स्टेट हैज रिसेंटली सेंक्शन रुपीज 9 करोड़ टू बिल्ड स्मार्ट आंगनवाड़ीज बाय कन्वर्टिंग द कन्वेंशनल आंगनवाड़ीज इनटू द स्मार्ट स्ट्रक्चर विद द बेटर एमेनिटीज. कौन से स्टेट के में ये सेंक्शन किया गया है कि उन लोगों ने 9 करोड़ रुपीज जो है वो दिए गए हैं टू बिल्ड द स्मार्ट आंगनवाड़ीज. ठीक है कि जो भी आपकी पहले पुरानी जो आंगनवाड़ीज के जहां पे पुराने कल्चर्स बने हुए थे उनका वो स्मार्ट कल्चर में जो है वो तब्दील किया जाएगा. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज केरला. थर्ड देखिए. विच व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ फॉर द प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना 3.0 लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट फॉर 2020 एंड 2021. जो हमारा ये कुशल विकास योजना थी ये एक्चुअली प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना है जो कि बेसिकली क्या है ये आपकी एक स्कीम है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को लेके जिसमें इंडिया के यूथ टू टेक अप द इंडस्ट्रियल रेलेवेंट स्किल ट्रेनिंग जिसके तहत वो लोग स्किल्स वगैरह अपनी डेवलप कर सकते हैं ताकि फर्दर जब वो किसी भी इंडस्ट्रीज में काम करें तो उनसे आपको बेनिफिट मिल सके. तो उसके लिए उन्होंने जो ये लॉन्च किया है कितने रुपए इसके लिए रखे हैं. रुपीज 948.90 करोड़, रुपीज 579.45 करोड़, रुपीज 936.56 करोड़, रुपीज 811.56 करोड़. सो जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ए इज द करेक्ट ऑप्शन 948.90 करोड़ जो है वो उन्होंने इसके लिए बजट साइड में रखा है. फोर्थ क्वेश्चन देखिए. व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इट इज लॉन्च बाय द स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. बोलते कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन, इनमें से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च किया गया है बाय द स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री.
भारत स्किल्स, इंडिया स्किल्स, स्किल्स ऑनलाइन या स्किल्स ऑन बोर्ड। तो फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है बताइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज योर भारत स्किल्स। ठीक है, तो इसको जो नाम दिया गया है वो दिया गया है भारत स्किल्स। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करंट रीपरचेज रेट और द पॉलिसी रेपो रेट। जो आपका करंट रेपो रेट है उसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन, जो अभी का जो आपका करंट रेपो रेट है वो कितना है मैं आपको बता देती हूँ। ये जो आपका रेपो रेट होता है ये होता क्या है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं रीपरचेज एग्रीमेंट। क्या बोला जाता है? रीपरचेज एग्रीमेंट। रीपरचेज एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। मैं इसका आपको मतलब बता देती हूँ। ये रीपरचेज एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? रीपरचेज एग्रीमेंट का मतलब वो होता है कि यहाँ पे ये एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है बेसिकली, जिसमें जो आपकी बैंक होती हैं वो आरबीआई से बोरो करती हैं, इन लियो ऑफ इट वो उनको कुछ सिक्योरिटी देते हैं। रीपरचेज का मतलब क्या है? रीपरचेज का मतलब ये होता है कि वो सिक्योरिटी कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए है, बाद में वो उसको वापस ले लेंगे। ठीक है, बाद में वो उसको वापस खरीद लेंगे, इसलिए इसे बोला जाता है रीपरचेज एग्रीमेंट। और जो करंट रेट है दैट इज वेरी ट्रू एवरीवन, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज 4%। करंट जो रेपो रेट है वो आपका 4% है। और ये भी नोट कर लीजिए जो रिवर्स रेपो रेट है एट प्रेजेंट वो कितना है आपका 3.35%। क्लियर। सिक्स क्वेश्चन देखिए, द वेब पोर्टल एंड द मोबाइल ऐप ई संपदा हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच सेक्टर। जो ये ई संपदा वाली जो ऐप है, जो मोबाइल पोर्टल है, इसको किसने लॉन्च किया है? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ प्रिंटिंग, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर या डायरेक्टरेट ऑफ द स्टेट। पहले तो बता देती हूँ मैं, ये ई संपदा है क्या? ये एक ऐप है जिससे सिंप्लीफाई किया जाता है द प्रोसेस एंड फॉर ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी इन द सिस्टम अक्रॉस द इंडिया, पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी ला सके, ईज ऑफ लिविंग सिटीजन, सिटीजन्स की ईज ऑफ लिविंग हो सके, इसके लिए ये एक लाया गया है कि जो भी आपके सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो जितने भी आपके जो गवर्नमेंट इंप्लॉयज हैं उन लोगों के लिए बेसिकली इसमें काफी सारी जो है वो बेनिफिट्स जो है वो उनको इनसे मिलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेवन देखिए, सेवेंथ का जो ऑप्शन है दैट इज योर कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज इज मोर देन इन अर्बन एरियाज, बिकॉज जो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो रूरल एरिया में ज्यादा है। ठीक है, इज मोर देन द अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया के कंपैरेटिव। क्यों? रूरल पीपल ईट मोर, क्योंकि रूरल पीपल ज्यादा खाते हैं। रूरल पीपल हैव हाई बॉडीज, उनकी बॉडीज जो है वो हैवी हैं। रूरल पीपल डू नॉट हार्ड डू मोर हार्ड फिजिकल वर्क, वो ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं इसके लिए, या रूरल पीपल हैव टू टेक मोर रेस्ट, उनको रेस्ट ज्यादा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वेरी ट्रू एवरीवन, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर एट देखिए, क्वेश्चन नंबर एट बिगिन करते हैं, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इन 2011-12। अगर हम 2011-12 की बात करें, हम लोगों ने प्री और इंडिपेंडेंस से लेके सारा पढ़ा है अभी तक की इंडियन इकोनॉमी को, तो उसमें आपको बताना है कि पॉवर्टी लाइन से बिलो जो आपकी पॉपुलेशन थी वो कितनी थी। 26.1%, 19.3%, 22% या 32%। येस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज 22%। वेरी ट्रू। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉवर्टी डिटर्मिनेशन मेजर। इनमें से कौन सा आपका पॉवर्टी डिटर्मिनेशन मेजर है? आपको नाइन्थ का करेक्ट ऑप्शन देना है। ठीक है, तो नाइन्थ का करेक्ट ऑप्शन बताइए, इनमें से कौन सा आपका पॉवर्टी मेजर है आपको बताना है यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट एवरीवन। देखिए
जो आपका नाइन्थ है उसमें आपको पूछा गया है पॉवर्टी डिटर्मिनेशन मेजर बताओ, हेड काउंट रेशियो, सेन इंडेक्स, पॉवर्टी गैप इंडेक्स या ऑल ऑफ दीज। तो पहले मैं आपको इनका मतलब बता देती हूँ। हेड काउंट रेशियो का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन पोर्शन दैट एग्जिस्ट और लीव बिलो द पॉवर्टी लाइन। इसका मतलब होता है कि ये रेशियो है कि जो आपका जो आपके पॉपुलेशन का वो वाला पोर्शन जो कि एग्जिट कर रहा है या पॉवर्टी लाइन से बिलो जो रह रहा है वो, ठीक है। सेन इंडेक्स का मतलब होता है प्रेविलेंस एंड द सीवियरिटी ऑफ द पॉवर्टी इन द सोसाइटी, की आपके सोसाइटी में जो सीवियरिटी या प्रेविलेंस कितनी पॉवर्टी है और कितनी सीवियर पॉवर्टी है। सी पॉवर्टी गैप इंडेक्स, गैप इंडेक्स का मतलब क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द पॉवर्टी, डेप्थ कितनी है पॉवर्टी की वो हम बताते हैं। एंड डीज ऑल ऑफ दीज। तो पॉवर्टी डिटर्मिनेशन जो मेजर है, जो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, उसका जो आपका आंसर है वो यस वो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। टेंथ देखिए, व्हेन फर्स्ट प्लानिंग गैप अकर्स इन इंडिया, इंडिया में सबसे पहला प्लानिंग गैप कब आया था, 1965, 1966, 1964, 1988। सो करेक्ट ऑप्शन दीजिए क्वेश्चन नंबर टेंथ का, कब आया था पहला गैप, 3 साल के लिए आया था हमारा पहला गैप, दैट इज 1966 से 69 तक, ठीक है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी। Who is the father of economics? Economics के father किसको कहा जाता है, Adam Smith, John Candy, Herschel या MJ Kurian? किसको बोला जाता है, Who is the father of economics? Yes, Adam Smith जो है उनको क्या बोला जाता है, Your father of economics. 12th देखिए, Think Tank of Government of India That replace a planning commission is, जो आपका think tank of government of India है जिसने planning commission को replace किया उसको क्या कहा जाता है, नीति धर्मा, नीति वाक्या, नीति सशान या नीति आयोग। तो ये तो देखते ही clear हो रहा है, that is option number D, नीति आयोग, very true everyone. एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज डू लाइक माई वीडियो, ओके। एंड स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी इज द रेगुलेटर ऑफ द मनी मार्केट इन इंडिया, मनी मार्केट को इनमें से कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, एफसीआई। तो मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो ये तो क्लियर ही है सबके सामने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आरबीआई, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में भी बता देती हूँ, मनी स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, 13th क्वेश्चन नंबर, जो मनी स्टेबिलिटी है, देखो मैं बता देती हूँ, आरबीआई किसको रेगुलेट करती है, मॉनेटरी या जो आपका मनी है, मनी स्टेबिलाइजेशन का काम पूरे देश में देखने का वो किसका है, आरबीआई का। सेबी का काम क्या होता है, जो आपकी इंडियन कैपिटल और सिक्योरिटी मार्केट है उसको स्टेबिलाइज करने का, सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। आईआरडीए जो है आपका, मैं बता देती हूँ, दैट इज इंश्योरेंस, जो आपका लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि इसका नाम ही क्या होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस से रिलेट जितने भी चीजें होती हैं उनको काम करना, उनको रेगुलेट करने का काम किसका होता है, आईआरडीए का। नहीं, मनी की जब हम बात करते हैं तो पैसों का जितना भी लेन देन है, फाइनेंशियल सब चीजों को आरबीआई देखता है, सेबी का काम होता है इंडियन कैपिटल और सिक्योरिटी मार्केट, क्लियर। देन एफसीआई, एफसीआई का मतलब क्या है आपका, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उनका जितना भी फूड से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उन सब चीजों को देखना कि उनमें कोई भी गलत चीजें नहीं मिली हुई होनी चाहिए, इन सबको रेगुलेट करने का काम एफसीआई का होता है, ठीक है। सो हम पढ़ते हैं हमारा आगे का, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। देखिए, विच 5 ईयर प्लान इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिस्ट महलना महलनोबिस, बताइए कौन सा 5 ईयर प्लान आपका इकोनॉमिस्ट महलनोबिस से रिलेट था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ।
एंड प्लीज टू लाइक माई वीडियो. जिन लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये आपको पता होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकेंड प्लान. वेरी ट्रू एवरीवन. 15 देखिए, द प्रेजेंट रेट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, CRR. क्या होता है कि हर एक बैंक को अपने डिपॉजिट्स का, टोटल डिपॉजिट्स का कुछ डिपॉजिट कीप करना पड़ता है, रखना पड़ता है आरबीआई के साथ, जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं. तो उसका एट प्रेजेंट कितना है, 4%, 9%, 5% या 3%. सो यस, योर राइट ऑप्शन इज नॉट 3% हरकीरत जी, इट्स 4%. रेपो रेट भी 4% है, CRR भी एट प्रेजेंट आपका 4% है. ठीक है, नॉट डी, डी काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं, डी नहीं है, दैट इज ए 4%. 15 देखिए, विच इज नॉट द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. 16th का मुझे बताइए क्या है, 16th का करेक्ट ऑप्शन दीजिए कि जो आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, इनमें से कौन सी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है. ऑयल, टेक्सटाइल, शुगर या फूड प्रोसेसिंग. बताइए विच इज नॉट द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ऑयल, टेक्सटाइल, शुगर या फूड प्रोसेसिंग. 16th का करेक्ट ऑप्शन, जो आपकी एग्रो बेस्ड इसमें इंडस्ट्री नहीं है. देखो, टेक्सटाइल, शुगर, फूड प्रोसेसिंग आपकी वो है ही, जो आपकी ऑयल है वो आपकी एग्रो बेस्ड नहीं है. क्या पूछा गया है, एक सेकेंड. किसी ने पूछा है करंट SLR रेशो, करंट जो SLR है वो मैं बता देती हूँ. SLR का रेट है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, SLR है आपका भी 18%. ठीक है, रेपो मैंने बता ही दिया है, वो भी 4% है. CRR अभी हमने डिस्कस कर लिया है 4%, और रिवर्स रेपो भी मैंने आपको बता दिया है 3.35%. ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिए, ये आपको यूटिलाइज हो सकते हैं. क्लियर. खाली ऑयल, देखो अब यहाँ पे इन्होंने आपको सनफ्लावर ऑयल का नाम भी दिया है पूनम जी. ऑयल का मतलब सिंपल ऑयल है. ठीक है, तो बाकी भी हमारे काफी सारे ऑयल्स आते हैं, रिफाइंड ऑयल्स वगैरह भी हैं, तो वो हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में नहीं आता है. ठीक है, स्पेसिफाइड नहीं है यहाँ पे कुछ भी. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप इज परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ फूड इंडस्ट्री. फूड इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस पैरामीटर कौन किससे पता लगता है, हाइजीन, लेबर यूज, हाइजीन एंड लेबर यूज या नन ऑफ द मेंशन. 17th का मुझे करेक्ट ऑप्शन दीजिए क्या होगा, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17. तो यस, हाइजीन आपने कितना मेंटेन किया हुआ है, लेबर आप कितना यूज कर रहे हो, वह दोनों ही चीजें आपकी परफॉर्मेंस पैरामीटर को जज करेंगी. वेरी ट्रू. 18 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द थ्री लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया. ए पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, एमपी, बिहार, पंजाब, एमपी, पंजाब, बिहार या पंजाब, बिहार, एमपी. 18th का मुझे बताइए कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. 18th इज का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, फिर पंजाब में और फिर बिहार में. ठीक है, सो सी इज द नो सी, बच्चों को कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, एमपी, पंजाब एंड देन बिहार. 19 देखिए, हु इंट्रोड्यूस अ फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ द प्राइस अश्योरेंस एंड द फार्म सर्विस बिल 2020 एंड द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड द कॉमर्स प्रमोशन एंड द फैसिलिटेशन बिल 2020 इन द इंडियन पार्लियामेंट. नरेंद्र मोदी, सुरेंद्रजीत सिंह अहलूवालिया, नरेंद्र सिंह तोमर एंड कैलाश चौधरी. वेरी ट्रू एवरीवन, दैट इज सी, नरेंद्र सिंह तोमर, जो हमारे जो ये फार्मर के जो मतलब एग्रीकल्चरलिस्ट जो मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने इसको किया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो बताना है आपको. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट, यस एवरीवन, बिफोर बिगनिंग द क्वेश्चन नंबर 20th. अभी मेरे साथ ऑन लाइव बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं लेकिन उतने लाइक्स नहीं है वीडियो पे, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज प्रेस द लाइक आइकन. ओके, लाइक करना तो बनता है. ठीक है, और इसका देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट इन द वर्ल्ड. इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल इन द वर्ल्ड. प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस कॉल्ड हॉर्टिकल्चर. उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वीट इन इंडिया.
यस, मुझे इसका करेक्ट ऑप्शन दीजिए। 20th का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20th करेक्ट ऑप्शन क्या है? देखो, जो 20th आपका क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे मध्य प्रदेश आना है, एमपी आना है, ठीक है? तो ये करेक्ट है ऑप्शन। हॉर्टिकल्चर वाला भी सही है, ये पॉइंट भी सही है। बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल इन द वर्ल्ड, नहीं है वो, ठीक है? सो बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग डी को देखा, वो सही था, क्योंकि आपको लगा अभी अभी रिसेंटली हम पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे गलती से एमपी आता है, ठीक है? वो चीज वो था। यस, बिल्कुल, चाइना है वो। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज द आउटकम ऑफ द एफर्ट्स ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग। जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया इंडिया में, वो किसके एफर्ट्स की वजह से आया, किसके एफर्ट्स की वजह का वो आउटकम था? एमएस स्वामीनाथन, सी रंगाराजन, ऑप्शन नंबर सी केवी कामाथ एंड डी राकेश मोहन। सो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, डेट इज एमएस स्वामीनाथन जी की लीड में, वो ही इज द लीडिंग जो थे आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के, उनके उसमें आया था। ए को लॉक कर दिया और ए आपका सही जवाब है जी, बिल्कुल। 22nd देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैज अप्रूव्ड टू मेगा पार्क्स, वन इन द लुधियाना एंड अनदर इन, अनदर कहाँ है बताइए? दो आपके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अप्रूव किए हैं कि दो आपके मेगा पार्क्स बनेंगे, एक लुधियाना में और एक कहाँ पे बनेगा? पंगवाड़ा, मोहाली, चंडीगढ़, राजपुरा। तो वो आपका पंगवाड़ा में बनना है। पंगवाड़ा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? कपूरथला। कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका पंगवाड़ा, ठीक है? वहां पे दूसरा आपका बनना है पार्क, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैश क्रॉप इन पंजाब, इनमें से कौन सी क्रॉप जो है वो आपकी कैश क्रॉप है वो बताइए? शुगर केन, पैडी, वीट या मेज, इनमें से कौन सी आपकी कैश क्रॉप है? प्लीज प्रेस द लाइक आइकन, जिन्होंने अभी भी मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट से लाइक कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। यस, जो आपकी कैश क्रॉप है पंजाब की, मैं ये बता देती हूँ कि वैसे जो आपकी लीडिंग कैश क्रॉप है वो तो है हमारी कॉटन, लेकिन कॉटन हमें यहाँ पूरे उसमें नहीं दिया हुआ है। कॉटन के अपार्ट जो हमारा शुगर केन है, जो हमारा पोटैटो है, आलू जो है, फिर हमारे जो ग्राउंड नट्स हैं, वो हमारे सबसे ज्यादा जो है वो कैश क्रॉप्स हैं। तो कॉटन तो हमारे पास है नहीं ऑप्शन में, तो शुगर केन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? सो शुगर केन, पोटैटो एंड योर ग्राउंड नट्स जो हैं वो भी हैं। बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर अप करने की कोशिश की है। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि एज मैक्सिमम एज आई कैन मैं इसमें डाल सकूं, ठीक है? तो उतने तो मैं डाल ही रही हूँ यहाँ पे। अमृतसर इज फेमस फॉर, अमृतसर किस चीज के लिए फेमस है? पावर लूम वेविंग, प्रिंटिंग मशीनरी, टेक्सटाइल या ऑल ऑफ द अबव? यस एवरीवन, प्लीज गिव मी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 24th का करेक्ट ऑप्शन दीजिए। 24th का करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अमृतसर इन सभी चीजों के लिए ही क्या है, फेमस। 25th देखिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियाज जीडीपी इन द ईयर 2021 वाज, 2021 में जो इंडिया जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका इंडिया की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन था? 13%, 19.9%, 15.8% या 14%? तो 25th का करेक्ट ऑप्शन दीजिए। यस, वेरी ट्रू एवरीवन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 19.9%। देन द टर्म होट मनी इज यूज्ड टू रेफर, होट मनी का मतलब क्या होता है? प्लीज गिव मी द करेक्ट ऑप्शन। होट मनी का मतलब क्या होता है? करेंसी प्लस रिजर्व्स विद द आरबीआई, नेट जीडीआर रिसिप्ट्स, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो देखिए, होट मनी क्या होता है? इट इज अ फ्लो ऑफ फंड फ्रॉम द वन कंट्री टू अनदर। जब एक देश से दूसरे देश में फंड्स आते हैं तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है? और वो किस लिए होता है? इट इज इन ऑर्डर टू अर्न शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, जो भी इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस आने की वजह से होता है उसके लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यस, बिल्कुल, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 27th क्वेश्चन नंबर देखिए,
26 हो गया, 27th देखिए क्या है हमारा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड विच होम ग्राउंड पेमेंट्स प्लेयर टू फैसिलिटेट इट्स डिजिटल पेमेंट. यस प्लीज गिव मी द करेक्ट ऑप्शन. वेरी वेरी इजी, फेमस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज. यस एवरीवन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ जो इंडिया है उसने किसको अपॉइंट किया है होम ग्राउंड पेमेंट प्लेयर टू फैसिलिटेट उसके डिजिटल पेमेंट के लिए. वो कौन से सिस्टम को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, पेटीएम, गूगल पे, जियो पेमेंट्स या फोन पे? तो जो आपका LIC है वो जिसे यूज करते हैं, किरणदीप कौर, वेरी ट्रू, दैट इज योर पेटीएम. पेटीएम को उन्होंने अपना होम ग्रॉन ग्रॉन पेमेंट जो है वो माना है. ठीक है, सो ए पेटीएम इज द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following is a feature of gig economy? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा gig economy का feature है. An economy, ये आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है? An economy whose gross national product, मतलब GNP या जिसका जो GDP है, to the large extent come from the natural resources. An economy that is no trade activity with the outside economies. An economy that is too dependent on the unliberal foreign investment to finance its growth ambitions. ठीक है, और last, an economy where the flexible jobs come place and company tends to towards hiring independent contractors and freelancer instead of the full time employees. तो जिन लोगों को यहाँ पे gig workers का मतलब पता होगा उनको तो ये options पढ़ते ही समझ में आ गया कि gig economy का मतलब क्या है. तो gig workers क्या होते हैं? gig workers वो वाली आपकी employer-employee relationship है जहाँ पे traditional employer-employee relationship नहीं होता, जहाँ पे freelancers, you are परफॉर्मिंग द फ्रीलेंसर जॉब, जहाँ पे फ्लेक्सिबल जॉब मतलब की कॉमन प्लेस है, ऑनलाइन आपका उसमें आप करते हो. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. एन इकोनॉमी वेयर द फ्लेक्सिबल जॉब कॉमन प्लेसेस एंड द कंपनीज टेंड्स टुवर्ड्स हायरिंग इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर्स एंड द फ्रीलेंसर इंस्टेड ऑफ द फुल टाइम एम्प्लॉयज. ठीक है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 28. यस एवरीवन, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टूडेज सीरीज. बताइए आप लोगों को कैसा लगा आज का सीरीज. एवरीबडी प्लीज टू टेल आप लोगों को आज की सीरीज कैसे लगी. एंड जिन लोगों ने अभी तक भी लाइक नहीं किया है प्लीज टू प्रेस द लाइक आइकन. एंड ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके. अब हम ऐसे ही कुछ मिक्स मिक्स करके क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे दो चार लेक्चर्स जितने भी हमारे हैं अभी. 26th बता दूं, वेट अ मिनट. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, देखो इसमें होट मनी का मतलब मैंने जो आपको बताया कि क्या होता है, होट मनी का मतलब ये कि जब वहां से पैसा आ रहा है, ठीक है, जो आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आ रहा है, आप प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो बेसिकली, इसके लिए वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, जब वो आपके यहाँ पे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और वो 51% से कम होता है. ठीक है, दैट इज, नहीं ऐसा कोई रीजन नहीं है, ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि FDI इज मोर सेफ या वो, दोनों ही चीजें सेफ हैं, पर जो है वो आपको मैंने रीजन दे दिया है. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. ठीक है, 14th क्लियर कर दूं, श्योर. द प्रे सॉरी 14 द फाइव ईयर प्लान इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक, विच फाइव ईयर प्लान इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिस्ट महलनोबिस. उस टाइम पे जो इकोनॉमिस्ट थे आपके महलनोबिस थे. अगर आपने निधि जी अगर फाइव प्लानिंग्स की बात करी है तो डेफिनेटली वो सेकंड प्लान से रिलेट है, तो आपने उसमें इनका नाम, ये नाम जरूर पढ़ा होगा कि वो इन उस टाइम पे जो एक ये हमारे मेजर इकोनॉमिस्ट थे. ठीक है, थैंक यू एवरीवन, आप लोगों को लेक्चर पसंद आया, थैंक यू सो मच. My name is Kritika. Okay, I guess आप लोगों के आज के doubts जो हैं वो clear हो चुके होंगे. ठीक है, this was
today's lecture. ओके थैंक यू एवरीवन. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड प्लीज डू, अब आप लोगों के पास टाइम कम ही है तो आप लोग रिवाइज करते रहिए, डेट कभी भी आ सकती है एग्जाम की. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. एंड अगर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज अगर आप लोगों को पूछने हैं, यू मे कॉन्टेक्ट ऑन एनी वन ऑफ दीज नंबर. सो थैंक यू एवरीवन फॉर द टूडेज लेक्चर. मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट उसमें. ओके बाय, टेक केयर.